हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव। हम लोग ग्राफ की सीरीज में लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था कि इन डिग्री और आउट डिग्री कैसे फाइंड करते हैं किसी गिवन ग्राफ में वर्टिसेस की। उसी कॉन्सेप्ट को आज एक्सटेंड करेंगे और हम यूटिलाइज करेंगे इन डिग्री और आउट डिग्री कॉन्सेप्ट को टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड करने के लिए। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट को समझने से पहले हम सबसे पहले एक्टिविटी नेटवर्क को समझते हैं। तो देर इज अ टर्म नोन एज एक्टिविटी नेटवर्क। एक्टिविटी नेटवर्क एक तरह का ग्राफ है जिसमें अगर हमने ग्राफ में वर्टिसेस को और एजेस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे वन और टू एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब वर्टिसेस आर रिप्रेजेंटिंग दी एक्टिविटीज और ये जो एज है वो डिपेंडेंसी को शो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू डिपेंडेंट है। जब एक्टिविटी वन फिनिश होगी तो एक्टिविटी टू स्टार्ट होगी। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक एक्टिविटी थ्री है तो एक्टिविटी टू और थ्री के बीच में अगर हम एक एज बना दें तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी टू जब फिनिश होगा तो एक्टिविटी थ्री स्टार्ट होगा। अगर हम इसमें एक फोर्थ नंबर एक्टिविटी को भी ऐड कर दें और एक एज फोर से थ्री की तरफ ड्रॉ करें तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी नंबर थ्री दो एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट है, एक टू पे और एक फोर पे। जब टू फिनिश होगा और फोर भी फिनिश होगा तभी थ्री स्टार्ट हो पाएगा। अगर हम इससे दो और एज ड्रॉ करते हैं, लेट से फाइव और सिक्स इस तरह से, तो इसका मतलब है कि फाइव और सिक्स एक्टिविटीज एक्टिविटी थ्री के कंप्लीशन पर डिपेंडेंट है। इससे ये भी ऑब्वियस है कि अगर मान लीजिए कि हमने सिक्स से वन एक एज ड्रॉ कर दिया तो इसका मीनिंग ये होगा कि एक्टिविटी वन का जो स्टार्ट है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी नंबर सिक्स। अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं तो बैक में हमने क्या कहा था कि एक्टिविटी वन जब फिनिश होगा तो टू स्टार्ट होगा, जब टू फिनिश होगा तो थ्री स्टार्ट होगा, जब थ्री फिनिश होगा तो सिक्स स्टार्ट हो सकता है। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब सिक्स एक्टिव सिक्स से वन एज होने का ये मतलब है कि वन तब स्टार्ट होगा जबकि सिक्स फिनिश होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ये तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया और ये एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन हो जाएगी कि कोई भी एक्टिविटी इसमें स्टार्ट नहीं हो पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं उस ग्राफ में साइकिल नहीं हो सकती। तो ये जो ग्राफ है जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है एक्टिविटीज को और हमने रिप्रेजेंट किया है एक्टिविटी के कंप्लीशन को, उनकी डिपेंडेंसीज को शो किया है, ऐसे ग्राफ को हम एक्टिविटी नेटवर्क कहते हैं। और एक्टिविटी नेटवर्क्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। इसको हम शॉर्ट में डीएजी भी कहते हैं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का क्या मीनिंग हुआ? टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ये मीनिंग है कि हमें इन एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना है। हमें ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी पहले हो रही है और कौन सी एक्टिविटी बाद में हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी नंबर वन और एक्टिविटी नंबर फोर इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। सो हम वन फोर या फोर वन इस तरह से एक ऑर्डर लिख दें। इसके बाद एक्टिविटी नंबर टू डिपेंडेंट है एक्टिविटी नंबर वन के फिनिश होने पे, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए नेक्स्ट एक्टिविटी टू। एक्टिविटी थ्री तब फिनिश होगी जब वन और फोर दोनों कंप्लीट होंगे। इसका मतलब है कि नेक्स्ट एक्टिविटी हमें लिखना चाहिए थ्री, और उसके बाद थ्री के बाद या थ्री के फिनिश होने पे हम फाइव और सिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट एक्टिविटी जो लिखी जाएगी वो फाइव और सिक्स लिखी जाएगी। अब हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट सीक्वेंस है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट सीक्वेंस इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द एक्टिविटी नेटवर्क। इसको थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए हम ऐसा मान लें कि हमारे पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। पहली एक्टिविटी वहां होती है रॉ मटेरियल का कलेक्शन। दूसरी एक्टिविटी मान लीजिए कि वहां पे होती है प्री प्रोसेसिंग इस रॉ मटेरियल की। प्री प्रोसेसिंग के बाद मान लीजिए नेक्स्ट एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद मान लीजिए एक्टिविटी होती है पैकेजिंग की, जो भी आइटम प्रोड्यूस हुए हैं उनकी पैकेजिंग। और फाइव नंबर एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है लेट से ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम एक्टिविटी का एक फ्लो दिखाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी वन जब फिनिश होगी, रॉ मटेरियल का कलेक्शन जब फिनिश होगा तो हम प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, जब प्री प्रोसेसिंग फिनिश होगा तो हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे।
जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्शन जब फिनिश हो जाएगा तो हम पैकेजिंग करेंगे, और पैकेजिंग जब पूरा हो जाएगा तो हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हो गई जिसको हमने एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए कि एक हमारे पास और भी एक्टिविटी है, उसका नंबर है 6 और हम कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो फैक्ट्री की किसी भी एक्टिविटी पर डिपेंडेंट नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी नंबर 6 अपने आप स्टार्ट हो सकता है, एक्टिविटी 1 भी अपने आप स्टार्ट हो सकता है क्योंकि इसकी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं, बट रेस्ट ऑफ द अदर एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जब 1 फिनिश होगा तो 2 स्टार्ट होगा, जब 2 फिनिश होगा तो 3 स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो नेटवर्क है या जो ग्राफ हमने बनाया वो एक डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है जिसको हम कह रहे हैं एक्टिविटी नेटवर्क। टोपोलॉजिकल सॉर्ट को फाइंड करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं डीएफएस मेथड को। तो डीएफएस मेथड से भी हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड कर सकते हैं, और हमारे पास एक और मेथड है जिससे कि हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड कर सकते हैं, वो मेथड हमारा है इन डिग्री का। तो हम आइए हम लोग आज इन डिग्री के कॉन्सेप्ट से टोपोलॉजिकल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। इस ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम इन वर्टिसेस को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एंड देन इसके बाद हम इनकी इन डिग्रीज को नोट कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 0 नंबर वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री 0, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और इसमें कोई भी एज टर्मिनेट नहीं हो रही, तो इसलिए इसकी इन डिग्री 0 हो गई। सिमिलरली जो वर्टेक्स नंबर 1 है उसकी भी इन डिग्री 0 है, वर्टेक्स नंबर 2 की भी इन डिग्री 0 है, वर्टेक्स नंबर 3 की जो इन डिग्री है वो है 2, वर्टेक्स नंबर 4 की इन डिग्री है 2, वर्टेक्स नंबर 5 की इन डिग्री है 1, वर्टेक्स नंबर 6 की इन डिग्री है 2 और वर्टेक्स नंबर 7 की इन डिग्री है 2। तो आइए इन डिग्रीज को मेंशन कर लेते हैं। 0 नंबर वर्टेक्स की इन डिग्री 0, 1 की 0, 2 की 0, 3 की 2, 4 की 2, 5 की 1, 6 की 2 और 7 की 2। तो हमने एक टेबल मेंटेन करना है इन डिग्रीज का, और हमने सभी वर्टिसेस की इन डिग्री को यहाँ मेंशन कर लिया है। इसके साथ साथ हम एक क्यू मेंटेन करेंगे, और ये जो क्यू है इसमें उन वर्टिसेस को डालेंगे जिनकी इन डिग्री 0 है। तो अगर आप टेबल को रेफर करें तो टेबल में आपको दिख रहा होगा कि वर्टेक्स नंबर 0, वर्टेक्स नंबर 1 और वर्टेक्स नंबर 2 इनकी इन डिग्री 0 है, तो आप इसको एक क्यू में डाल दें। इसके बाद आपको क्या करना है कि क्यू से एक एलिमेंट डिलीट करना और उसको डिस्प्ले कर देना। ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट सीक्वेंस हम प्रिंट कर रहे हैं। पहला एलिमेंट जिसको आपने क्यू से डिलीट किया उससे कनेक्टेड वर्टिसेस को देखिए, 0 से कनेक्टेड वर्टिसेस हैं 3 और 4। तो वर्टेक्स नंबर 3 और 4 दोनों की इन डिग्री को मुझे एक रिड्यूस कर दे। पहले इनकी इन डिग्री 2 थी, अब मैंने इनको एक एक रिड्यूस कर दिया, अभी 1। तो जितने भी वर्टिसेस अभी तक तो क्यू में नहीं गए हमने उनको नोट कर लिया, और अगर इस प्रोसेस में मुझे कोई भी ऐसा वर्टेक्स मिलता जिसकी इन डिग्री 0 होती तो उसको मैं क्यू में इंसर्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं मिला। फिर हमने एक वर्टेक्स 1 को डिलीट किया क्यू से। अब 1 से कनेक्शन को हम देखते हैं, 1 से कनेक्शन केवल 3 का है और 3 का इन डिग्री हम रिड्यूस कर देते हैं 1 से 0। तो हर बार जब भी हम कोई कनेक्शन देखेंगे तो उस कनेक्शन में इन डिग्री को 1 से रिड्यूस कर देंगे। तो अब हमें वर्टेक्स नंबर 3 की इन डिग्री 0 मिली, तो इसे मुझे क्यू में डालना हो। जब भी मुझे किसी भी वर्टेक्स की इन डिग्री 0 मिल जाएगी वैसे मैं उसको क्यू में इंसर्ट कर दूँ। फिर इसके बाद मुझे एक वर्टेक्स 2 मिला, इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब 2 से कनेक्शन देखते हैं, 2 से कनेक्शन है 4 एंड 7। तो 4 और 7 दोनों वर्टिसेस की इन डिग्री को हम एक एक रिड्यूस कर देते हैं। इस प्रोसेस में वर्टेक्स नंबर 4 की इन डिग्री 0 हुई, इसलिए इसको हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया। अब हम 3 को डिलीट करते हैं, 3 को प्रिंट भी करते हैं और 3 से कनेक्शंस देखते हैं। 3 से कनेक्शन है 5, 6 और 7। इन तीनों वर्टिसेस की इन डिग्री को हमें एक रिड्यूस करना है। 5 की इन डिग्री 1 है, 0 हो गई, 6 की इन डिग्री 2 है, 1 हो गई, 7 की इन डिग्री 1 है, 0 हो गई। तो इस प्रोसेस में 5 और 7 इन दोनों वर्टिसेस को मुझे क्यू में इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी इन डिग्री 0 हो गई। नेक्स्ट वर्टेक्स हम रिमूव करते हैं 4, 4 को डिस्प्ले करते हैं और 4 से कनेक्शन देखते हैं। तो 4 से कनेक्शन केवल 6 का है, तो इसकी इन डिग्री को हम 0 कर देते हैं। तो 6 नंबर वर्टेक्स जो हमारा है वो अब क्यू में इंसर्ट हो जाएगा। वर्टेक्स नंबर 5 को डिलीट करते हैं और प्रिंट करते हैं, और वर्टेक्स नंबर 5 से कोई कनेक्शन नहीं है फर्दर, तो इसलिए कोई भी इन डिग्री के चेंजेस नहीं होंगे।
फिर सेवन को डिलीट करते हैं, सेवन से भी जाने वाली कोई भी एजेस नहीं है, इससे भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर सिक्स को डिलीट करते हैं और सिक्स से जाने वाली कोई एजेस नहीं है, इससे भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो चूंकि मुझे अब ये जो क्यू मिला है वो एम्प्टी हो गया है, इसका मतलब है कि हम अपने प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो हमने इस प्रोसेस में क्या किया, हम समराइज अगर करें तो हमने सबसे पहले इन डिग्री सभी वर्टिसेस की नोट कर ली, जिसकी भी इन डिग्री मुझे जीरो मिली मैंने उनको क्यू में इंसर्ट कर ली। फिर क्यू से एलिमेंट को डिलीट किया, फ्रंट एलिमेंट को, और उससे कनेक्शंस देखा, जितने भी कनेक्शंस उससे मुझे मिले उन सभी वर्टिसेस की इन डिग्री को एक एक रिड्यूस कर। इस दौरान अगर किसी वर्टेक्स की इन डिग्री जीरो मिलती है तो उसको भी हम फर्दर क्यू में इंसर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो आइए इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन डिग्री निकालने का एक तरीका देखा था, एक बस छोटा सा हम इसका एक रिकैप कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल है और उस डायरेक्ट एड्रेस टेबल में सभी एलिमेंट्स को हमने जीरो इनिशियलाइज कर लिया। इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल में हर एक सेल मुझे ये बता रहा है कि किस वर्टेक्स की इन डिग्री जीरो, किस वर्टेक्स की इन डिग्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट एड्रेस टेबल में जीरो इंडेक्स वाला जो एंट्री है मुझे बता रहा है कि जीरो नंबर वर्टेक्स की इन डिग्री कितनी है। वन नंबर वाली एंट्री मुझे बता रहा है कि वन नंबर का कितनी इन डिग्री है। सो DAT नाम का जो हमारा एक वेक्टर है वो मुझे इन डिग्रीज के बारे में बता रहा है। तो जब हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं या हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट को, तो उस समय मुझे क्यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक यहाँ पे क्यू डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का और इसका नाम दे देते हैं क्यू। टू स्टार्ट विद इसमें जीरो एलिमेंट्स होंगे। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास इन डिग्रीज हैं या इन डिग्री का वेक्टर है, मतलब DAT वेक्टर जो है, उसमें जितने भी वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री जीरो मिलेगी मैं उसको क्यू में इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं एक लूप चलाता हूं और उस लूप में ये कहता हूं कि हमारे पास जितने भी वर्टिसेस हैं, लेट्स से हमारे पास V वर्टिसेस हैं, उन सभी के कोरस्पॉन्डिंग DAT को की एंट्री को चेक करना है। अगर DAT में ith इंडेक्स पे जीरो है तो इसका मतलब है कि जीरो नंबर वर्टेक्स की इन डिग्री जीरो है, मुझे इसको क्यू में इंसर्ट कर देना चाहिए। तो आपको पता है कि क्यू में इंसर्ट करने के लिए हम पुश फंक्शन का यूज करते हैं और क्यू में ith वर्टेक्स को हम पुश करते हैं। इस प्रोसेस के बाद मैं एक रिपीटेड प्रोसेस करूंगा जिसमें बार बार एलिमेंट को क्यू से डिलीट करूंगा। तो जब तक मेरे क्यू की साइज जीरो ना हो जाए तब तक मैं इस प्रोसेस को करूंगा। और इस प्रोसेस में मैं क्या करूंगा, क्यू से एक एलिमेंट को डिलीट करूंगा। तो मान लेते हैं कि जिस एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे क्यू से वो है एक्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट। आपको पता होगा कि क्यू से डिलीशन टू स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम फ्रंट एलिमेंट को कहीं सेव कर लेते हैं एंड देन उसके बाद क्यू से एलिमेंट को पॉप कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्स से सारे कनेक्शंस को एक्सप्लोर करना है। तो एक्स से सारे कनेक्शंस मुझे एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू मिलेंगे। तो मैंने एडजेसेंसी लिस्ट को रेफर करता हूँ, लेट से जे इज इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन। एडजेसेंसी लिस्ट में एक्स के कनेक्शंस जितने होंगे उन सबको मुझे एक एक करके एक्सप्लोर करना है। तो हम साइज को रेफर करते हैं, साइज से मुझे पता चल जाएगा कि इस वाले वेक्टर में कितने एंट्रीज हैं, उन सभी एंट्रीज को वन बाय वन हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जितने भी एंट्रीज हैं एडजेसेंसी लिस्ट में, मतलब कि एडजेसेंसी लिस्ट में एक्स आई एंट्री, एडजेसेंसी लिस्ट का नाम है एडजेसेंसी एक्स, और उसमें हर एक एलिमेंट को रेफर करने के लिए मैंने एक आइटरेटर लगाया है जे। तो इसके थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ और इसमें जितने भी एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग मैं इन डिग्री इन वर्टिसेस की एक एक कम कर दूंगा। तो मेरे पास एक DAT है, DAT जो कि इन डिग्री का वेक्टर है, इसमें मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट की इन डिग्री को एक रिड्यूस कर। इसके करस्पॉन्डिंग अगर या इस दौरान अगर मुझे ऐसा लगा कि इस वाले एलिमेंट की जो इन डिग्री है वो जीरो हो गई है, तो हमने ADJ XJ रेफर किया, और अगर ADJ XJ जीरो हो गया है तो इसका मतलब है कि इसको मुझे क्यू में इंसर्ट करना पड़ेगा। सो क्यू डॉट पुश ADJ XJ। तो हमने वही प्रोसेस किया। एक बार अगर मैं इसको रिपीट करूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि हर एक्स वाले
एलिमेंट के या एक्स वाले वर्टेक्स के एडजेसेंसी लिस्ट को मैं रेफर कर रहा हूँ, और इस एक्स से जितने भी कनेक्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में उन कनेक्शन की इन डिग्री को फाइंड कर ले रहा हूँ। जो भी इन डिग्री करेंटली है उसको मैं एक रिड्यूस कर दे रहा हूँ। तो माइनस माइनस का मतलब है कि मैं उसको एक से रिड्यूस कर दे रहा हूँ। फर्दर अगर इस प्रोसेस में किसी की भी इन डिग्री जीरो मुझे मिल गई तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले एलिमेंट को पुश कर दूंगा स्टार, पुश कर दूंगा क्यू। और चूंकि जिस वर्टेक्स के साथ हम वर्क कर रहे थे उसका काम फिनिश हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वर्टेक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस वाज एक्स। एक छोटा सा सेपरेटर लगा दीजिए जिससे कि हमें पता चले कि हमारा करेक्ट ऑर्डर में हमारे वर्टेक्स प्रिंट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट प्रिंट करने का सीक्वेंस है वो पूरा हो रहा है। हम बस एक काम छोटा सा और कर लेते हैं कि एक लाइन डिस्प्ले कर देते हैं, सी आउट ENDL न्यू लाइन, और यहां हम डिस्प्ले कर रहे हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट सीक्वेंसेस डबल क्वोट्स क्लोज एंड अ सेमी कॉलन। तो जितने भी वर्डसेस मुझे मिलते रहेंगे मैं उनके उनको प्रिंट करता रहूंगा वन बाय वन। उसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि क्या कोई एरर है क्या। यस, एक एरर छोटी सी है। इस जे को मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक अब इसमें कोई एरर नहीं है। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। यस, दिस इज आस्किंग फॉर द एंट्री फ्रॉम द यूजर। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ जो हमने लिया था उसी को हम एक बार फिर से देखते हैं, और इस ग्राफ में जो एजेस हैं उनकी नंबरिंग गलत है जिससे कि मेरी ग्राफ की एंट्री आसान हो जाए। तो हम एक रेड कलर का पेन लेते हैं जिससे कि विजिबिलिटी हो, और हम मान लेते हैं कि जो जीरो से कनेक्शन है उसमें ये E1 एज है, ये E2 एज है, वन से कनेक्शन में ये E3 एज है, टू से कनेक्शन में ये E4, ये E5 एज, ये E6 एज, थ्री से कनेक्शन सेवन और E8, और फोर से कनेक्शन जो है हम इसको E9 कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 हैं 0 से लेकर 7 तक, और नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 9 है। अकॉर्डिंगली हम इसमें एंट्री कर लेंगे। तो आइए इसको रन करते हैं और अकॉर्डिंगली इनपुट करके देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले सही हो रहा है या नहीं। तो ये ग्राफ की एंट्री करते हैं, और ग्राफ की एंट्री में इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस पूछा जा रहा है, सो दैट विल बी 8। नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 9 है। एज 1 है 0 से 3 कनेक्शन, एज 2 है 0 से 4 कनेक्शन, एज 3 है 1 से 3 कनेक्शन, एज 4 है 2 से 4 कनेक्शन, एज 5 है 2 से 7 कनेक्शन, एज 6 है 3 से 5 कनेक्शन, एज 7 है 3 से 6 कनेक्शन, एज 8 है 3 से 7 कनेक्शन, और एज 9 है 4 से 6 कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि हम यह इसने जो प्रिंटिंग की है, सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट की, आप देख सकते हैं कि देर आर नो कनेक्शन फ्रॉम 5, 6 एंड 7, सो इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। इसके बाद इसने आउट डिग्री और इन डिग्री प्रिंट किया है। इन डिग्रीज जैसा हमने वर्टिसेस पर मेंशन किया है वही आ रहा है। एंड देन इसके बाद ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट सीक्वेंस है, और टोपोलॉजिकल सॉर्ट सीक्वेंस है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6। ये बिल्कुल वही टोपोलॉजिकल सॉर्ट सीक्वेंस है जो हमने यहाँ पे निकाला था। आप चेक कर सकते हैं इसको, दिस वन। सो इस तरह से हम लोगों ने बड़ी आसानी से टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड कर लिया इन डिग्री मेथड से। इसी को हम लोग DFS मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग जब DFS डिस्कस करेंगे तो हम लोग एक बार फिर से टोपोलॉजिकल सॉर्ट सीक्वेंस को सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो फॉर द ग्राफ प्रोग्राम। थैंक यू।